हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज रहे हैं और संडे का दिन है। काफ़ी टाइम बाद मेरा ब्लॉग जा रहा है संडे के दिन में। ये देखिए क्या हो रहा है मेरे घर में काम। ये पानी का स्टोर बना था, पानी स्टोर करने के लिए टैंक बना था अंडरग्राउंड। 6 साल पहले जब मेरा घर बना था, जब ये बना था, और तब से इसका ढक्कन एक बार भी नहीं हटा था। हमेशा सोचते थे हटाने की, पर हटा ही नहीं पाते थे। और जब जब हटाने की कोशिश की है, ये निकला ही नहीं था। तो फाइनली आज जाकर इसको पूरा पत्थर तोड़ना ही पड़ गया, और पत्थर को तोड़ने के बाद ये जाली निकलेगा। इसलिए कहते हैं जब जब जो काम होना होता है ना, तभी होता है। इतने टाइम से सोचते सोचते आज जाकर जिसका दिन बना है कि ये निकले। और बहुत मेहनत करना पड़ा इसको निकालने के लिए। काफ़ी टाइम लग गया था, लगभग 1.5-2 घंटा ये निकल ही नहीं रहा था, जाम हो चुका था बिल्कुल। इसमें पानी स्टोर अभी तक हुआ नहीं था, बस ऐसे ही बना था कि ताकि फ्यूचर में कभी भी सप्लाई का पानी आए इधर की साइड में, तो इसमें स्टोर करे उसको। इसलिए ये टैंक बना था। अब देखिए ये निकल गया, बहुत मेहनत के बाद ये निकला था। और इसमें ये सीढ़ी डाल के और इसके अंदर जाते हैं लेबर, और उसके बाद इसको अच्छे से सफाई किया जाएगा। अंदर यही देखने के लिए खोलना चाह रहे थे कि कोई कीड़ा मकोड़ा ना हो या सीलन उलन ना आ रहा हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं निकला। बिल्कुल साफ था अंदर में, कोई भी तरह से कुछ भी ऐसा गंदा नहीं था अंदर। और ये देखिए ये मिस्त्री जी लेबर जा रहे हैं अंदर, और अंदर जाके इसको अच्छे से इसको सफाई करेंगे। बहुत मेहनत करना पड़ गया था, 6 साल से बंद बंद बंद। ये क्या हुआ ना, ये चारों तरफ से बिल्कुल जंग खा गया था लोहे को, और पत्थर उस पर ही लगा हुआ था, इसलिए वो हट ही नहीं रहा था जंग की वजह से। तो ये अंदर गए हैं, और उसके बाद अंदर जितना भी मलबा गिरा है तोड़ने के बाद, उसको उठाकर सारा निकाल के बाहर और फेंकेंगे पहले, उसके बाद इसकी सफाई करेंगे। इसी बीच मेरा खाना भी बन गया था, मैं उधर खाना भी बना रही थी। ये देखिए मलबा निकालने के बाद, और पूरे से इसको पानी के प्रेशर से पूरे दीवार को अच्छे से, दीवार नीचे का फर्श सारा अच्छे से साफ किया गया, धो दिया गया बिल्कुल। वैसे अंदर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल साफ सुथरा था। ऐसा कुछ नहीं था जैसे हम लोग सोचे थे कि इतने समय से बंद है, 6 साल, 6 साल से ये बंद पड़ा हुआ था, एक बार भी इसका ढक्कन नहीं हटा था। तो कहीं जाला वाला लग गया हो या फिर कुछ गंदा अंदा आ गया हो, क्योंकि अंडरग्राउंड है ना तो ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बिल्कुल साफ सुथरा था। और ये देखिए पानी से धोने के बाद पानी को बाल्टी में लेके और इसकी सफाई की गई अच्छे से। बिल्कुल इतना पानी हो गया था, और अभी अभी मेरे घर में वैक्यूम, वैसे भी हमारे पास वैक्यूम है, लेकिन अभी था नहीं वैक्यूम, मेरे साइड पे गया हुआ था, जिस वजह से इतना मेहनत करना पड़ गया इनको, बाल्टी से निकालना पड़ गया। वैक्यूम होता तो इतना टाइम ही नहीं लगता, 5 मिनट में सारा अच्छे से ख़त्म हो जाता, पानी अच्छे से सफाई हो जाता। पर कोई बात नहीं, कम से कम ये साफ हो गया। देख सकते हैं आप लोग कितना गहरा है ये, इसमें पानी स्टोर करने के लिए बनाया गया था। जब फ्यूचर में पानी आएगा तब का तब देखा जाएगा। संडे का दिन ऐसे ही निकला, लगभग 2.5-3 घंटा इसमें लग गया था करने में, और उसके बाद इस ये काम हो गया। संडे का दिन पूरा ऐसे बीत गया। आज कहीं जाने का सोचे थे हम लोग बाहर, पर हो नहीं पाया क्योंकि ये काम करना भी ज़रूरी था। बहुत टाइम से सोच रहे थे कि इसको सफाई करना है, सफाई करना है, तो आज इसका दिन निकला। आज ये फाइनल हो गया साफ, सफाई हो गया इसका। और बाहर क्या जाए, इसी बीच में कॉल आ गया था मीटिंग का इनको, फिर बाहर जाना, इनको जाना था मीटिंग में, इसलिए कहीं नहीं जाने का हो पाया। तो देखिए कैसे पूरा पानी अंदर से निकाला जा रहा है,
सही कहते हैं लोग, जब 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 जो होना होता है तभी होता है। इससे पहले आप लाख कोशिश कर लो करने का, नहीं होता है। कितनी बार सोचे कि इसको हटाएंगे, इसको साफ करेंगे, सोचते सोचते 6 साल निकल गया, पर यह हो नहीं पाया था। और हाँ, बीच में काफ़ी टाइम से मेरा ब्लॉग नहीं जा रहा था, क्योंकि पता नहीं कभी ये होता था, कभी टाइम नहीं है, और कभी इस बार मैं ज़्यादा ही बीमार होना शुरू हो गई थी, तो जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। कोई बात नहीं, कोशिश करती हूँ मैं हमेशा कंटिन्यू डालने का, और डालूँगी, मैं कोशिश कर रही हूँ डालने के लिए वीडियो। मैं राखी का भी वीडियो बनाकर मैं रखी थी, और जन्माष्टमी का प्रोग्राम का भी वीडियो मेरा बना हुआ है, पर मैं डाल नहीं पाई थी। कुछ तो ये मेरा फ़ोन चेंज हो गया था, जिस वजह से सारा सिस्टम इस पे वो करने में टाइम लग गया। और ये देखिए, ये सारा हो गया था पोछा से सुखाने के बाद, और इस पे ये जाली लग गया, जाली लगा दिए इस पे, पत्थर तो इसका टूट गया और ये जाली कवर रह गया, ये इसको ढक दिए। और जब पत्थर होगा ला के इस पे डला जाएगा फिर, और फिर ये ऊपर है, पत्थर है इतना सारा, पर इसको कटिंग करना था, इसलिए यहाँ से सफाई करवा रहे थे, पत्थर हटा रहे इसको यहाँ से। और इस पे जब तक लकड़ी का टुकड़ा जो था वो डाल के और इसको ढक दिए, ताकि जब होगा पत्थर तब। अभी हम लोग तैयार हो गए हैं, अब जा रहे हैं बाहर, और आज देखिए बाहर जाते हैं। आज बच्चों का मन हुआ बाहर डिनर करने का, तो वहीं जा रहे हैं, तो हम लोग निकल रहे हैं अब यहाँ से। हम और मेरी बेटी पहले जाएंगे, पीछे से बेटा और इसके पापा आएंगे। तो फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, और ये मलाई चाप खा रहे हैं ये लोग, मलाई चाप का ऑर्डर दिए थे स्टार्टर्स में। और ये जो रेस्टोरेंट है ना, घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से मेरे घर से, तो पास का पास भी है, और यहाँ खाना भी अच्छा मिल जाता है, इसलिए हम लोग यहीं जब मन होता है तो आ जाते हैं। और अगर इनको कह दिया जाए कि कहीं घूमने जाना है और ना निकलो, ऐसा हो नहीं सकता है। दिन में नहीं गए तो रात को ही सही, चलो कहीं घूमने नहीं गए तो डिनर ही सही। और ये चिली पटेटो का ऑर्डर किया गया था, पर ये तो बिल्कुल ही बकवास आया, मूड ख़राब हो गया यहाँ जाके, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा स्टार्टर्स वगैरह खाने में। पहले यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता था, इसलिए हम लोग ज़्यादातर यहीं चले आते थे। इसलिए फिर हम लोग देखिए वहाँ से स्टार्टर्स खा के और फिर आगे चले गए। वहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, वहाँ रेस्टोरेंट सब अच्छा है, पर दूर के कारण हम वहाँ पहले नहीं जा रहे थे। लोग तो वहीं बोले थे जाने के लिए, पर सोचे चलो पास में, पास का पास भी रहेगा और जल्दी आ जाएंगे, पर नहीं, वहीं जाना पड़ गया खाना के लिए, और वहीं गए। और ये देखिए, ये रुमाली रोटी और पनीर, कौन सा पनीर था पता है, इसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, पनीर की सब्जी, राड़ा पनीर और रुमाली रोटी मेरा बेटा ऑर्डर करवाया था, और ये मैं बना रही थी, हो नहीं पा रहा था, मेरे से हिल रहा था बिल्कुल कैमरा। और ये खाने के बाद आइसक्रीम खाया जा रहा है, रात काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, लेकिन कोई बात नहीं है, बाहर निकलो तो होता ही है, और हम लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है रात के टाइम पे आइसक्रीम खाने के बाद तो बनता ही है। तो ये दोनों सारे आदमी खा रहे थे, और कैमरा मेरे हाथ में था, इसलिए हम बना रहे थे इसका। और इसके बाद ये मेरा ख़त्म हो गया था, ये जो मैं खा रही हूँ अब, ये राशि छोड़ कर दे देती अपना झूठा ये खाना पड़ गया मुझे रात के टाइम पे, गर्मी में स्कूटी हो बाइक हो, उसके घूमने का मज़ा ही अलग हो गया, बहुत अच्छा लगता है ठंडे ठंडे हवा में।
अरे 11 हो गया, 11:20 के आसपास हो रहे हैं, वही 11:30। हम लोग आ गए हैं घर और टाइम हो गया है 11:47। इसमें उल्टा दिख रहा है अभी आपको, मतलब 12:15 हो चुका है। हम लोग आ गए हैं घर और तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आज काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बनाई हूँ, काफ़ी लंबा टाइम हो गया था उसके बाद बनाई हूँ वीडियो। तो जब भी वैसे भी हम लोग बाहर जाते हैं तो लेट नाइट ही होता है आने में, 12:30, 11 बज ही जाते हैं, ऐसे ही हो जाता है टाइम आने में। तो काफ़ी लेट हो चुका है अब, वैसे भी कल छुट्टी है बच्चों का, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आके। तो अपने वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।